हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं खिंपोली की सब्ज़ी। दोस्तों, खिंपोली की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ये राजस्थान में मार्च और अप्रैल के महीने में पाई जाती है और शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है, स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लगभग 500 ग्राम खिंपोली ली है और इसको हमने बिल्कुल अच्छे से गर्म पानी से उबाल लिया है। 4 से 5 मिनट तक उबाला है हमने इसे, ताकि इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा दूर हो जाए। और उसके बाद हमने, ये देखिए, एक बड़ा प्याज जिसे हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है और ये एक हरी मिर्ची, बड़ी एक हरी मिर्ची को हमने काट लिया है। ये हमने एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये 10 से 12 कलियां लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ में लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ये हमने एक कटोरी दही लिया है, टमाटर की जगह पर हम दही डालेंगे खट्टेपन के लिए। और ये लिया है नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई भी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तेल, जो एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया था वो हमने, ये देखिए, डाल दिया है। और तेल को जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए, तेल को अब चेक करेंगे हम जीरा डालकर, ये गर्म हुआ या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा डाल दिया है और जीरा जो है धीरे धीरे बिल्कुल ब्राउन हो रहा है। इसको बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है हमें। तो वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही स्वादिष्ट जो है सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली है, बिल्कुल देसी सब्ज़ी खिंपोली की। ये देखिए, जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे खिंपोली जो हमने उबाल रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, खिंपोली को जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है हमें। धीरे धीरे जो है फ्राई हो रही है खिंपोली, इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है तेल के अंदर, और चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, खिंपोली बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तेल के अंदर। और अब हम हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। देखिए, हरी मिर्ची डाल दी है और इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये देखिए, प्याज डाल दिए हैं और प्याज और हरी मिर्ची को भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर, ब्राउन होने तक इसे पकाना है हमें। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए, हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, लहसुन का पेस्ट, और अब इन सभी को जो है मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये देखिए, दही डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें आप अपने हिसाब से, जितना भी डालते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं इस सब्ज़ी के अंदर, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनती है खिंपोली की। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए, इतना सा पानी, आधी चम्मच, बड़ी आधी चम्मच पानी डालना है, ताकि जो मसाला है वो नीचे चिपके नहीं, इसलिए हमने पानी डाला है। और अब हम इसे ऊपर से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 से 3 मिनट तक जो है सब्जी को ऊपर से ढक्कन लगाकर पकाया है और सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट जो है लाजवाब रेसिपी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।